आज से दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के आगमन से पहले सभी तैयारियों की समीक्षा करेंगे खुद सीएम। 16 फरवरी को वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयोजन स्थलों का निरीक्षण भी करेंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन का भी निरीक्षण खुद सीएम करेंगे। तो ऐसे हमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सीएम का आगमन है। सीएम खुद सभी चीजों को लेकर सतर्क हैं। वो चाहते हैं कि जब पीएम यहां पहुंचे तो सभी चीजें बिल्कुल सुचारू रूप से हो, किसी भी चीज में कोई कमी ना रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले खुद मुख्यमंत्री का दौरा, और मुख्यमंत्री दो दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के आने से पहले दो दिन के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि हर चीज का निरीक्षण खुद योगी करेंगे। जो सूबे के सूबेदार यहां पर पहुंच चुके हैं और सभी चीजों का सभी जायजा लेंगे, और हर चीज का जायजा लेने के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। तो हमारे सहयोगी राजू श्रीवास्तव जुड़े हैं हमारे साथ इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। तो राजू, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, तो उस आगमन को लेकर बनारस में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? देखिए, काफी समय बाद वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं, तो जिसको लेकर काफी की जनता भी अपने सांसद के स्वागत के लिए पलके बिछा कर बैठे हुए हैं। वहीं बात करें विकास कार्यों की सौगात की, तो विकास कार्यों की सौगात भी अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री देते नजर आएंगे। उसमें कहीं किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए खुद पीएम के पहले सीएम निरीक्षण करने के लिए काफी आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये वक्त जो है वो काफी अहम है, क्योंकि विकास कार्यों की जहाँ सौगात मिलेगी, वही बनारस में धर्म के नाम पर लोग आ सके, धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। इसलिए धर्म की राजधानी से दूसरे धर्म स्थलों तक ट्रेन भी चलाई जा रही है, कल उसका शुभारंभ हो जाएगा यहाँ से। और लाखों शिवलिंग है यहाँ पर काशी में, उसमें देश दुनिया तक उसकी बातें पहुंच सके, इसके लिए कल एक ऐप का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, कि ताकि जगमबाड़ी मठ का जो ग्रंथ है वो देश दुनिया तक पहुंच सके और वहाँ के विचार, वहाँ के उद्देश्य दुनिया तक पहुंच सके। उसके साथ ही दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो काम किया लोगों के लिए, जो उद्देश्य था उनका, वो जन जन तक पहुंच जाए, इसलिए वो चंदौली भी पहुंचेंगे और वहां भी निरीक्षण करेंगे सीएम कि क्या पूरी तरीके से तैयारियां हैं, जब प्रधानमंत्री दीनदयाल जी की मूर्ति का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे, कि ताकि आम जनमानस जो है वो उनके विचारों और उनके उद्देश्यों को समझ सके। तो इसको लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था क्या है, किस तरीके की सड़कें जो टूटी थी वो पूरी तरीके से बन गई है कि नहीं, जो जिन चीजों का उद्घाटन होना है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, इसका पूरा निरीक्षण करने खुद पीएम के संसदीय क्षेत्र में सीएम दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। जी राजू, जिस प्रकार से सीएम का ये दो दिवसीय दौरा है, इससे पहले भी सीएम यहाँ पहुंचे थे, तो ऐसे में बनारस की नजर से अगर देखा जाए तो पीएम का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि खुद सीएम तीन बार यहाँ आ चुके हैं। देखिए, काफी समय बाद अपने संसदीय क्षेत्र पीएम आ रहे हैं, बड़ी सौगातों के साथ आने वाले हैं, उसमें कहीं किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, जिसकी खुद निरीक्षण और आगवानी खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है उसमें कोई अटकले ना रह जाए, कोई कमियां ना रह जाए जिससे लोग सवाल खड़ा करें। विपक्ष हमेशा हमलावर होने के लिए तैयार रहता है, तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों का जायजा लेने खुद सीएम इसीलिए दो दिन पहले आ रहे हैं, कि ताकि सारी चीजें सुचारू रूप से जब जनता आम इंसान के लिए वो सौगात दी जाए तो उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए खुद मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री जी। जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दे कि पीएम का दौरा है कल, और जिसको लेकर आज सूबे के सूबेदार यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंचे हैं और जो भी कार्य हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। दो दिन का दौरा है सीएम का, आज और कल सीएम बनारस में मौजूद रहेंगे और कल खुद पीएम यहां पर पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि पीएम के यहां पहुंचने से पहले सीएम योगी ने हर एक चीज का निरीक्षण करेंगे। इससे पहले भी सीएम योगी एक बार यहां आ चुके हैं और कल जब पीएम यहां पहुंचेंगे अपने संसदीय क्षेत्र में, तो कई सौगातों के साथ यहां पहुंचेंगे वो। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ केजीएमयू में मां शारदालय मंदिर का लोकार्पण करेंगे। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में तैयार मां शारदालय में देवी सरस्वती और भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकार्पण कार्यक्रम सुबह 11 बजे योगी
केजीएमयू पहुंचेंगे। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी लगातार कई कार्यों में जुटे हुए हैं। आज जहां पर वो केजीएमयू में जाकर सरस्वती मंदिर का लोकार्पण करेंगे, इसके बाद सीएम बनारस भी पहुंचेंगे। तो ऐसे में सीएम का काफी पैक्ड शेड्यूल है ये। यहाँ पर उनके साथ उनके कई सारे मंत्री भी रहेंगे और सीएम की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर कई खासे इंतजाम किए गए हैं लखनऊ में। आपको बता दें, शारदालय मंदिर के मंदिर पहुंचेंगे यहाँ पर। मंदिर में सरस्वती माँ और भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा है। यहाँ पर सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें, माँ शारदा मंदिर का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी खुद अपने हाथों से। केजीएमयू में ये मंदिर बनाया गया है, जहां पर सीएम योगी आज 11 बजे पहुंचेंगे और 11 बजे तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी यहां पहुंचेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर केजीएमयू में सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंदी की गई है।